और ये उसका लोगो है। और नीचे आप देखोगे तो यहाँ टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, वो भी हमें LED करना है। यहाँ पर आप देखोगे तो हमें जो टायर्स है वो अलॉयज मिलते हैं, और ये जो हमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक मिल जाती है, ये बहुत ही अच्छी बात है इसके अंदर। और आप सामने से देखोगे तो हमें यहाँ पर हैंडल है जो राउंड शेप में मिलेगा, वो स्टार के अंदर आएगा, और जो साइन है उसके अंदर रेक्टेंगल आएगा। और ये आप सामने से देखोगे तो ये पूरी क्रोम की स्ट्रिप है, तो बहुत ही मतलब प्रीमियम लुक देने की कोशिश की गई है। और ये जो पीछे तक आती है यहाँ तक, और इसकी जो लेंथ है वो 1.6 मीटर की लेंथ मीटर ऐसी की मिलेगी। तो इसके अंदर आप लॉक कर सकते हो और अनलॉक भी कर सकते हो। और आपने अगर लॉक कार और कार सॉरी आपकी टू व्हीलर लॉक है, ठीक है, अगर आपने इसको अंदर डाल के चालू किया तो सायरन स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अंदर आप अनलॉक करके चालू करोगे तो सायरन नहीं बजेगा। ये मैंने अनलॉक कर दी, अरे सॉरी ये लॉक है, ये अनलॉक कर दी, उसके बाद मैं की डालता हूँ तो ये सायरन नहीं बजेगा, तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा फंक्शन है इसके अंदर। और यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें अपनी स्पीड दिख जाती है कि कितनी स्पीड पर चल रही है, और ये जो है हमारा बैटरी का पैकेज दिखा रहा है, मतलब कितना भी चलेगी उतना बाकी है। और यहाँ पे ये जो हमारा है वो हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं साइड में, और यहाँ पे हमारा एक्सीलेटर, ये जो बटन दिख रहा है वो स्टार्ट का नहीं है, वो मोड जो हम मोड सिलेक्ट करेंगे उसका ये बटन है। 3 मोड मिलते हैं अंदर, तो ये आप जैसे ही यहाँ से चेंज करोगे तो अपना ये डिस्प्ले पे शो करेगा। और इसके जो नीचे आप बटन देख रहे हो ये पार्किंग का है, मतलब ये जो भी पार्किंग मोड में है तो अपने की ऑन की और एक्सीलेटर दोगे तो ये स्टार्ट नहीं होगा, और जब ब्रेक दबा के आप स्टार्ट करोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। बाकी कई EVs में क्या होता है कि जैसे ही आप ऑन करोगे तो ये पार्किंग या ऑप्शन नहीं आता, डायरेक्ट आप एक्सीलेटर लेके स्टार्ट कर सकते हो। तो इसके अंदर ऐसा फंक्शन नहीं है, ये सेफ्टी के फीचर से बहुत ही अच्छा है कि आप पार्क मोड से हटा के फिर एक्सीलेटर चालू करेंगे तो ये ऑन होगा। और यहाँ पर इस साइड आप देखोगे तो ये हेडलैम्प के कंट्रोल मतलब अपर डीपर का ऑप्शन है, और इसके अंदर जो हॉर्न का बटन है ये यहाँ से भी आप ऑन हॉर्न बजा सकते हो और यहाँ से भी आप ऑन बजा सकते हो। और ये हमारे टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन है, और यहाँ से हमें रिवर्स का ऑप्शन मिल जाता है इधर। और यहाँ आप नीचे देखोगे तो हमें यहाँ पर USB चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो आपका फ़ोन कहीं चार्ज करना होगा तो आप यहीं से चार्ज कर सकते हो। ये हो गया बंद। अभी यहाँ पर हमें टो हुक मिल जाता है, जैसे आपका कुछ छोटा सा सामान होगा तो ये आप यहाँ से टो कर सकते हो। और इसके अंदर जो स्टोरेज की बात करूँ तो हमें यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है स्टोरेज का, ये ऐसा दिखता है, आपके दो फ़ोन होंगे या छोटा सा सामान होगा वॉलेट वो आराम से आ जा सकता है। और यहाँ पर हमें बूट की बात करते हैं, ये अभी बूट भी दिखा देते हैं, तो बूट कितनी सी हमें बूट में स्टोरेज मिलती है, जैसे कि आप देख सकते हो ये हो गई स्टोरेज की बात। सॉरी ऐसे बंद करके फिर चाबी डाल दो। और अभी इसके अंदर जो बैटरी की बात करूँ तो इसके अंदर 60 वॉट की जो बैटरी मिलती है, और ये जो VU4 क्लेम करता है कि वो 4 से 5 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाएगी, और ये जो फुल चार्ज है मतलब पूरे एक फुल
चार्ज हो जाएगी तो इसके अंदर ये 110 किलोमीटर कवर करेगी, ऐसा व्यू को क्लेम करता है। और अगर जो इसकी स्पीड की बात करें तो इसके अंदर 45 किलोमीटर की है टॉप स्पीड कवर करती है। और इसके अंदर अभी जो फीचर्स की बात करें तो हमें इसके अंदर क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है, जैसे कि आप कंटिन्यू एक स्पीड पे चला रहे तो ये ऑटोमेटिक ये मोड ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे अगली बात हो गई फ्रंट की, अभी साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। साइड प्रोफाइल में आप देखो तो ये 1.6 मीटर की लाइन है, साइड प्रोफाइल ऐसी होती है हमारी DU4। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसकी बैटरी कहाँ पर है, तो यहाँ पर उसकी बैटरी माउंट है, यहाँ पर नीचे, यहाँ से आप चार्ज कर सकते हो। ये है बैटरी का चार्जिंग सॉकेट। और यहाँ पर आप देखोगे तो साइड स्टैंड है और ये फुट रेस्ट है ऐसा। और यहाँ पर आप देख रहे हो तो बहुत ही मतलब क्यूट सा डिज़ाइन बनाया गया है इसका। और यहाँ पर आप रियर में देखोगे तो कुछ ऐसे दिखती है, रियर में भी बहुत ही पीछे से आप देखोगे तो क्यूट सा डिज़ाइन बनाया गया है इसका। यहाँ से हमें एक्टर इंडिकेटर मिल जाते हैं, एड इंडिकेटर मिल जाते हैं, यहाँ हमारे ग्रैप इंडर यहाँ पर मिलता है, सिल्वर कलर में मिल जाता है, तो ऐसे दिखती है रियर से देख लीजिए। ये सब बातें थी BU4 के बारे में। तो अभी आप कहोगे कि इसकी प्राइसिंग क्या है, तो इसकी प्राइसिंग 89,000 एक्स शोरूम से स्टार्टिंग होती है। और मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि BU4 में आपको कौन कौन सी चीज़ें पसंद है और आपकी फेवरेट चीज़ें क्या थी। तो ये सब था फुल पैकेज BU4 के बारे में। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कार चलाते समय सीट बेल्ट पहने और अपना ख्याल रखें। राधे राधे।